अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से धूल चटाई और 5वीं बार इस टूर्नामेंट पर कब्जा जमाया। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 189 रन बनाए, जहां जेम्स रेव 95 टॉप स्कोरर रहे, जबकि भारत की ओर से राज बाबा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 विकेट चटकाए, तो वहीं रवि कुमार को भी 4 विकेट झटके। टीम इंडिया के सामने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के लिए 190 रन का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत ही रोमांचक अंदाज में 47.4 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जिसमें निशांत सिंधु ने 54 गेंदों पर नाबाद 50 रनों की पारी और उप कप्तान शेख रशीद ने भी 50 रन की शानदार पारी खेली। तो इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से हराया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत चैंपियन बना। आपको बता दें कि 5वीं बार अंडर 19 का खिताब भारत ने जीता है। तो इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया फाइनल में भारत ने। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत चैंपियन बना है और 5वीं बार अंडर 19 का खिताब भारत ने जीता है। इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से हराया। तो टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन अंडर 19 वर्ल्ड कप में किया, भारत चैंपियन बना। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि केजे सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी केजे जी, देखिए इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से भारत ने हराया, अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत चैंपियन बना है। हेलो जी केजे जी, देखिए इंग्लैंड को फाइनल में 4 विकेट से भारत ने हराया है और अंडर 19 में भारत चैंपियन बना है। बिल्कुल बना है। इस बार देखिए ये टाइटल जो है 5th टाइटल है इंडिया का, अगर देखा जाए तो आप जी, और ये एक इतिहास बन चुका है। 5वीं बार इंडिया ये टाइटल जीत चुका है अंडर 19 वर्ल्ड कप। और देखा जाए तो अगर 2000 में पहला जीता, फिर 2008 में जीता, फिर 2012 में जीता, फिर 2018 में जीता, लास्ट टाइम के भी चैंपियन हम रह चुके हैं, और 2022 में। यहाँ पे देखने की बात ये है कि अब जो क्रिकेट खेली जा रही है इंडिया में जूनियर्स में, बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेली जा रही है। इसका फायदा इन प्लेयर्स को मिलता है जब वो चैंपियन बन के आते हैं। देखिए 2018 की बात करें मैं तो अभिषेक शर्मा, ईशान तोरल, पृथ्वी शॉ, अक्षदीप गिल, नागरकोटी मावी, इनको बहुत बड़ा चांस ले जाके। देखिए आईपीएल में भी इनकी बिड हुई और बाद में ये इंडिया ए भी खेले और बाद में लगातार ये कहीं ना कहीं टूर्नामेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और इस बार भी देखा जाए तो जो टीम में जो यश धूल जो कैप्टन है, बहुत ही शानदार कैप्टन करी और उन्होंने सेमीफाइनल में 100 भी किया देखा जाए तो। और कुल मिला के देखा जाए आईपीएल के लिए बहुत अच्छा है इनका फ्यूचर होने वाला है, जिसमें निशांत है, विक्की है, कौशल है, हंगर के गेकर है, रशीद है, यश धूल है और दिनेश बाना है। यहाँ पे फिर मैं जो 2018 का जो रिपीटेशन हुआ था, कम से कम 8-10 खिलाड़ी आईपीएल में सिलेक्ट हुए थे, मुझे लगता है इस बार भी ऐसा होने वाला है। और जो बैटिंग जो करी है इंडिया ने, देखिए इस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए तो देखिए कभी भी किसी भी एक प्लेयर का बड़ा स्कोर नहीं रहा, इसमें बिल्कुल टीम एफर्ट्स रहा है, नीचे तक हमारी बैटिंग रही है और इसका फायदा हमको हमेशा मिला है। और बॉलिंग साइड भी देखा जाए तो बहुत ही शानदार बॉलिंग रही है हमारी। जैसे अभी जो फाइनल में जो राज बावा ने जो बोलिंग करा, जो फर्स्ट स्पेल जो डाला, जिसमें कम से कम इंग्लैंड की पूरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी एक तरह से, 31 पे 5 विकेट लिए उन्होंने, एक पंजा निकाला फाइनल में। और रवि कुमार रेगुलर अच्छी बॉलिंग करते आए हैं, उन्होंने अभी तक हर मैच में, अभी इस मैच में 4 विकेट लिए, इससे पिछले वाले मैच में सेमीफाइनल में 3 विकेट लिए थे, उससे पहले वाले मैच में 2 विकेट लिए थे। तो कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स भी बहुत छाए रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। जी शुक्रिया केजे जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।